हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, अपने अपने घरों में खुशपाश होंगे। तो चलिए जी, आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं फूल गोभी, जो मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीके से बताने जा रही हूँ। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कप ऑयल ली है, इसमें दो अदद मीडियम साइज़ की प्याज ली है। प्याज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। इस टाइम पर हमारा प्याज बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें तीन अदद टमाटर शामिल करेंगे। टमाटरों की भी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। इस टाइम पर एक टेबलस्पून लहसुन शामिल करेंगे और इसकी भी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले एक टेबलस्पून नमक ली है, एक टेबलस्पून ज़ीरा और धनिया, एक टेबलस्पून मिक्स मसाला ली है, एक टेबलस्पून सुर्ख मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी। को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस टाइम पर हम एक टेबलस्पून कसूरी मेथी भी शामिल करेंगे, इसकी भी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है और ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें गोभी और आलू शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें हाफ कप पानी शामिल करेंगे। ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, सब्जियों में हम लोग पानी बिल्कुल नहीं डालते। इस टाइम पर हम हाफ कप पानी शामिल करेंगे और फ्लेम को हाई रखेंगे। जब अच्छे से उबाल आ जाए तो हम लोग फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर लेंगे, तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद हमारा गोभी बिल्कुल रेडी हो जाएगा जी। तो जनाब, इस टाइम पर हमारा फूल गोभी बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप लोग कलर देख सकते हैं कितना फ्रेश कलर आया है, और साथ में मैंने अचार भी रखी है। फूल गोभी के साथ अचार बहुत मज़े के लगते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। खुश रहिए और दूसरों में खुशियाँ बांटें। अपनी दुआओं में हमेशा हमें भी याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। Thank you.